बोल रहे हैं विविध भारती से। दिन के 10:05 हो चुके हैं। शॉर्ट वेव 9865 किलोहर्ट्ज और शॉर्ट वेव 9380 किलोहर्ट्ज पर हमारा ये प्रसारण अब समाप्त होता है। डीटीएच के अलावा देश के कुछ स्थानीय रेडियो केंद्रों पर भी विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। आप सुन रहे हैं विविध भारती। बेचारा शख्सियत जिन्होंने समुद्र को नापने का साहस किया। आपने जल यात्रा से पूरी दुनिया देखी है। से बातचीत की है यूनुस खान ने, तो चलिए सुनते हैं ये दिलचस्प बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ फोन लाइन पर गोवा से हैं नेवी कमांडर दिलीप ढोडे। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यूनुस कॉलिंग मी। बताइए कि ये जो दुनिया का अपनी बोट पर चक्कर लगाने का ये जो आइडिया था, ये नेवी में कई सालों से था, लेकिन इससे आप किस तरह से जुड़े थे? ये आइडिया एक्चुअली था, एक रिटायर्ड वाइस एडमिरल मनोहर औटी है, उनका आइडिया था ये। और ये कई सालों से नेवी को बोल रहे थे कि ऐसे नेवी ने कुछ करना चाहिए। और 2006 में एडमिरल अरुण प्रकाश जो नेवी के चीफ थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसा कर सकते हैं हम, और उसके लिए नेवी फंड करेगी। उसके बाद नेवी ने शुरू किया वॉलंटियर ढूंढना, और मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा ये करना, तो मैं भी जुड़ गया इस प्रोजेक्ट में। इससे पहले तक आप नेवी में क्या कर रहे थे और कब आपने नेवी ज्वाइन की थी? मैंने नेवी ज्वाइन की 1990 में। मैं नेवी में कमीशन हुआ जी, और उसके बाद मैं डाइविंग में स्पेशलाइजेशन किया था मैंने। अच्छा, वो गोताखोर बोलते हैं पानी में जाके काम करने का जी, तो वो कर रहा था। और मैं 2003 में INS तरंगिनी जो एक नेवी की सेल ट्रेनिंग शिप है, उसमें मैं US और कनाडा में सेलिंग करने गया था जी। बाकी भी जैसे वीकेंड्स को जब भी टाइम मिलता था तो छोटी नौ बाल नौका लेके सेलिंग करता था। अच्छा, क्या शुरू से ही ये एस्पिरेशन था व्हेन यू वर इन द स्कूल, या ये लाइफ का अपना फ्लो था जो आपको नेवी पर लेके आया था? नेवी तो मैंने MBA से ज्वाइन की थी 1986 में, और हाँ उस वक्त एक दैट वाज वन ऑफ माय करियर चॉइसेस कि फौज में जाना है जी। और फिर नेवी के लिए उसने ऑप्ट किया था, और उसके बाद लाइफ चलती रही। और फिर जब ऐसा चांस आया सेलिंग करने का, तो उसके पहले भी मैं शौकिया तौर से तो सेलिंग करता था, पर जब ये ऐसे बड़ा चांस आया तो फिर मैंने हाथ से छोड़ा नहीं। बहुत सही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा जब आपने इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया और आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है इससे आप जुड़ना चाहते हैं। क्या चल रहा था जहन में आपके? मैंने जब इसके लिए हाँ भरी तो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। मुझे ये आइडिया अच्छी लगी कि एक नाव लेके पूरी दुनिया का सफर करना है, तो मैंने बस हाँ भर दी। उस
उसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और जब पढ़ने लगा तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था और इतना रोमांटिक भी नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये सब मुझे पता चलने लगा तो उसने एडमिरल लाउटी ने और एक कंडीशन डाल दी इसमें कि बोले जो ये आपकी बोट होगी वो इंडिया में ही बननी चाहिए। जी हाँ जी, तो ऐसा कोई हमने देखा नहीं था ऐसी बोट बनते हुए इंडिया में, तो वो एक और बड़ा चैलेंज हो गया। जी, इसके आगे की कहानी हम आपसे जानेंगे, यहाँ एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो बताइए कि कौन सा गाना आप हमारे सुनने वालों की नजर करने वाले हैं दिलीप जी? चलो पहला गाना तो मैं आपकी पसंद का सुन लेता हूँ। क्या बात है, चूंकि बात सागर परिक्रमा की हो रही है, मुझे लगता है कि सागर फिल्म का गाना सुनते हैं, सागर किनारे दिल ये पुकारे। का ये गाना तो हमने सुना और आपने कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था उस समय आपको ये आदेश दिया गया कि बोट भी इंडियन होनी चाहिए, इस बोट के बनने पर हम आएंगे, इसके नाम पर भी आएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि तब तक क्या आपने पहली बार अकेले सागर परिक्रमा करने वाले रॉबिन नॉक्स वगैरह के बारे में सुन रखा था या तब तक आपको नहीं पता था? मैंने ना ही सर रॉबिन के बारे में सुना था जी, और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे ये पता ही नहीं था कि लोग ऐसे दुनिया का चक्कर काटते हैं अकेले एक बोट में। जी जी, मैंने पहले जब हाँ मिली थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें, और फिर एक अच्छा हमारा लक था कि हमें सर रॉबिन के साथ उनको मिलने का चांस मिला और फिर उनके साथ काम करने का भी चांस मिला। क्या बात है, मैं ये सोचता हूँ क्योंकि आपसे बात करने से पहले और उससे भी पहले बीच बीच में कभी कभी सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन के बारे में मैंने पढ़ा था, लेकिन हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं 1968-69 में जब उन्होंने धरती की परिक्रमा की होगी, तब की टेक्नोलॉजी, तब के हालात बिल्कुल अलग रहे होंगे। मुझे ये बताइए कि उनसे बातचीत के दौरान उनकी सागर परिक्रमा के बारे में कौन सी यादगार बातें आपको जानने को मिली?
उनके साथ मिलके कई चीजें सीखने को मिली। पहले तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने जो बोट में परिक्रमा की थी 1968 में, वो 1961 और 65 के बीच में वो बॉम्बे में बनी थी। अरे वाह, क्या बात है। और उन्होंने वो इंडिया में बनाई थी बोट, फिर यहाँ से उसको वो इंग्लैंड सेल करके लेके गए थे। और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? उन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लैंड से। तो वो थोड़ी बहुत हिंदी भी जानते हैं, उनको काफी लगाव है इंडिया से, और उसके बाद भी कई बार आ चुके हैं इंडिया में। इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह। तो जब मैं उनसे पहली बार मिला तो उन्होंने बोला कि आपका सेलिंग तो अलग है पर मुझे अपनी हिंदी सुधारनी है आपके साथ रहेंगे। अरे वाह, क्या बात है। तो वो हिंदुस्तानी में बात करते हैं, जो मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू। वाह। उस वक्त जब वो ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी में थे तो उनके साथ जो क्रू काम करते थे सारे इंडियन क्रूज थे, तो वो एक कोई अजीब से ही डायलेक्ट में हिंदुस्तानी की बात करते हैं। क्या कुछ उनके जीवन की यादगार घटनाएं उन्होंने आपको सुनाई उनसे ट्रेनिंग लेते हुए जब आप उनके करीब थे? बॉम्बे में आए वो करीब 2007 में, तो मुझे वो माजगांव डॉग इधर उधर चोर बाजार है अजीब अजीब जगह लेके गए, जहाँ मैं खुद भी नहीं गया था कभी इतने साल बॉम्बे में रह के भी। अच्छा। और वहाँ पे उन्होंने जो जगह दिखाई जहाँ पे वो लोग पुरानी बोट के लिए सामान खरीदते थे और सब कुछ, फिर उनकी बेटी का जन्म बॉम्बे में हुआ था हॉस्पिटल में। फिर जब उनके सेलिंग के बारे में बात करने लगे तो पता चला कि उस वक्त ये कितना कठिन था, क्योंकि आजकल तो हम GPS और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ काफी आसान हो गया। उस वक्त धरती के आसपास एक ही सैटेलाइट था जो चंद्रमा था आपका, बाकी कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं थे। तो वो अपना सेक्सटेंट लेके पुराने जमाने के जैसे नेविगेट करके उन्होंने वो परिक्रमा की, और उनकी जो बोट है वो अभी भी उन्होंने अच्छी तरह रखी हुई है उसको, 50 साल से ज्यादा हो गए उसको, और अभी भी उसको सेल करते हैं। और मुझे भी एक बार उन्होंने मौका दिया फ्रांस से इंग्लैंड उसको सेल करने का। क्या बात है। जब आप उस बोट से सेल कर रहे थे क्या महसूस हो रहा था, किस तरह की सनसनी थी आपके जहन में? उसका नाम सुहेली है बोट का, छोटी सी बोट है जी। और जब मैं उससे सेल कर रहा था तो ऐसे हमेशा मेरे दिमाग में था कि आई एम सेलिंग ऑन अ पीस ऑफ हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो बहुत ही अच्छा अनुभव था वो जी। मुझे लगता है कि आपकी जो बोट है उसके बनने की प्रोसेस और वो सारी बातें हम करते हैं, लेकिन यहाँ एक गाने की धारा में से होकर गुजरेंगे, तो बताइए कि कौन सा गाना आपने चुन रखा है? तो हम रॉबिन नॉक्स की बात कर रहे हैं, तो उनके पसंद का गाना, उनको मुगले आजम पिक्चर बहुत पसंद है, और जब मैं उनसे पहली बार मिलने गया था तो उन्होंने बोला था जरा मुगले आजम की CD लाना मेरे लिए। क्या बात है। मुगले आजम का जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत पसंद है। बिल्कुल सुनवाते हैं। बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बातचीत के बाद सर रॉबिन नॉक्स को बताइएगा कि वो दुनिया के जिस भी इलाके में है वहाँ पर वो विविध भारती सुन सकते हैं allindiaradio.gov.in के जरिए। तो क्या है कि पुराने गानों की जो उनकी मोहब्बत है वो कायम रहेगी, और यहाँ से जा रहा है गाना जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
दिलीप जी, मोहब्बत जिंदाबाद गाना तो सुन लिया, सागर की ये जो मोहब्बत है, लहरों से ये जो मोहब्बत है, इसने जब उछाल लिया और आपने जब ये प्रण किया कि आप पूरी धरती का चक्कर लगाएंगे समुद्र के रास्ते, और जब बोट बनाने की बारी आई तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने थे, ये बोट कितनी बड़ी थी और इसका क्या नाम था और ये नाम क्यों था? बोट 56 फुट लंबी है, 12 मीटर, और ये बोट एक्वेरियस शिपयार्ड नाम की कंपनी है गोवा में, जी जी, उन्होंने बनाई, जिन्होंने बनाई उनका नाम रत्नाकर दांडेकर है, और उन्होंने ये बोट बड़े लगन से बनाई जी, जैसे वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंस था उस बोट का, वैसा ही उनके लिए भी इम्पोर्टेंस था, ये पहली सेल बोट बना रहे थे वो जिंदगी, ये गोवा में बनाई, और गोवा की जो नदी है मांडवी नदी, मांडवी जी, हमें पता चला कि उसका पुराना नाम मादई है जी, क्योंकि हमने ये बोट मांडवी नदी के या मादई नदी के बगल में बनाई, इसलिए हमने उसका नाम भी मादई रखा। क्या बात, यानी एक साथ मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे ये बताइए कि ये बोट महादेई जो INSV है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था और कितनी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था? इसको बनाने में हमने 2007 के क्रिसमस को हमने एक थोड़ी पूजा की थी बोटियाड में जी, और तब इसकी शुरुआत की थी बनाने में, और 12 फरवरी 2009 को ये बोट नेवी को हैंडओवर कर दी गई थी। अच्छा, तो करीब 14 महीने लगे बनाने में जी, और मुश्किलें तो काफी आई क्योंकि देश में पहली बार ऐसी बोट बन रही थी और कोई बताने वाला ज्यादा था नहीं जी, तो जो ट्राय एंड एरर बोलते हैं वैसे कर करके हम लोग ये बोट बना रहे थे, तो इसने रत्नाकर दांडेकर साहब का काफी इम्पोर्टेंस है इसमें, बिकॉज उन्होंने ये पूरी बोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी, और हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अगर बोट अच्छी नहीं बनी तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा जी, तो ये काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जैसी जैसी मुश्किलें आती गई उनको ठीक करते गए और बनाते गए। क्या बात है। अच्छा, जब बोट तैयार हो गई तब तक आप नेवी में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे या कुछ और कर रहे थे? मैं फुल टाइम नेवी ने मुझे बोला था कि ये आप बस प्रोजेक्ट कीजिए, पर बोट बनाने के साथ साथ मुझे अपनी ट्रेनिंग भी करनी थी, क्योंकि बोट तो बन जाती पर उसके साथ उसको चलाना भी आना चाहिए और थोड़ी समुद्र में जाने की प्रैक्टिस भी और ज्यादा चाहिए थी जी, तो वो मैं ट्रेनिंग भी अपने आप को दे रहा था, जो भी मुझे बोट मिलती थी छोटी मोटी उसको लेके सेल करने की कोशिश करता था, तो ये सारा काम भी सब साथ साथ ही चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या उस दौरान आपने बोट में आने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उन्हें सुधारना ये सारी चीजें भी सीखी थी? हाँ, मैं सीखता गया, क्योंकि मैं अक्सर बोट यार्ड में रहता था, बोट जैसी जैसे बनती है, जैसे पहली बार मैं जब बोट यार्ड में गया तो रत्नाकर साहब ने मुझे एक लकड़ी दिखाई थोड़ी, बोले ये बोट के लिए लकड़ी हमने खरीदी है, और तब से जैसे जैसे बोट बनती गई मैं बोट के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें क्या क्या जो भी इक्विपमेंट लगानी है वो सारी सिलेक्ट करना, और वो सब एक साथ ही वी वर्क्ड एज अ टीम, और फिर जब बोट बनी तो देन वी स्टार्टेड सेलिंग हर, और फिर सेल करते करते उसके ट्रायल्स, फिर उसमें कोई खामियां नजर आती थी तो उसको फिर रिपेयर करते थे, तो इसका मुझे एक बड़ा फायदा हुआ कि बोट की पूरी डिजाइन और कैसे सब कुछ लगा हुआ है, और अगर कुछ खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर कैसे करना है, ये सब ट्रेनिंग मैं अपने आप ही लेता गया जी। अच्छा, एक मेरी जिज्ञासा है और वो ये कि क्या महादेई से पहले नेवी के पास INSV और दूसरे भी थे? महादेई के पहले नेवी के पास एक INSV समुद्रा करके होती थी जी, जो एक कोई सेकेंड हैंड बोट थी, कोई अंडर लिटिगेशन थी किसी एक जर्मन आदमी की, और उसको कोर्ट ने नेवी को दे दिया था, तो वो थोड़े साल थी नेवी के पास। हमारे सुनने वालों को जो बिल्कुल आम आदमी, उनको बताइए कि INSV क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है? INSV स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, यानी जो भी इंडियन नेवी की पाल नौका है, तो दैट इज वाई द प्रीफिक्स, जैसे बाकी नेवल शिप्स को INS बोलते हैं, इसको INS नेवल शिप जी, तो इसको अलग से रखने के लिए INSV नाम शुरू करना शुरू कर दिया। जब महादेई तैयार हो गई और इस INSV के जरिए शान से आप धरती का सर्कम नेविगेशन करने के लिए तैयार थे, तो उस दिन को कितना एंटीसिपेट कर रहे थे, कितना इंतजार था उस दिन का जब आप अपनी यात्रा पर निकलने वाले थे, और परिवार में क्या चल रहा था? इंतजार तो काफी, मैं आप देखिए मैंने 2006 में इसके लिए वॉलंटियर किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, और फिर जब 2009 में मेरा निकलने का वक्त आया तो इतना ज्यादा उसमें मैं उलझ गया था, उतना ज्यादा काम था कि आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट, भाई अभी निकलो यहाँ से बाहर, जो भी है जैसे भी है बोट अच्छी बनी है जिसको मैं चलाऊंगा और वापस आऊंगा, तो इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ, अच्छा लगा कि, और काफी लोग भी आए थे मुझे सी ऑफ करने के लिए, और उसके बाद बस एक बार निकल दिए, क्योंकि ये होता है कि एक बार समुन्द्र में निकल जाओ आप, जमीन से दूर चले जाओ, फिर वो छोटी सी अपनी दुनिया होती है,
जी, और उस दुनिया में आप जैसे भी रहो खुश रहते हो जी, का पूरा सपोर्ट था, मस्ट हैव बीन अप्रिहेंसिव, इट वाज वेरी गुड। यहाँ एक गाना सुनेंगे, उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अपना ये सफर कहाँ से शुरू किया था और फिर सफर में किस तरह की चैलेंजेस आई थी। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे? को ये प्रोग्राम सुनाना ही है तो और एक मुगले आजम का गाना हो जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाए। कौन सा गाना हो जाए? जो जिसमें फेमस डांस है, पर्दा, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना हमने सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन की नजर किया, जिन्होंने साल 1968-1969 में धरती का सरकम नेविगेशन किया था और धरती की परिक्रमा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान थे। और आपका गौरव ये रहा है कि उनकी निगहवानी में आपने अपनी ट्रेनिंग ली है। और हम बात कर रहे थे महादेवी की, जिसके जरिए आपने अपनी यात्रा शुरू की थी, और मेरी जिज्ञासा ये है कि ये यात्रा किस जगह से शुरू हुई थी? मेरा ख्याल है केप टाउन से। नहीं, यात्रा तो मेरी बॉम्बे से शुरू हुई थी जी, और 19 अगस्त 2009 को जी। और फिर घूम के मैं उसके बाद मैं चार जगह पे रुका। पहला पड़ाव था फ्रीमेंटल, ओके, पर्थ के पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये यहाँ से फ्रीमेंटल तक जाने के फर्स्ट लैप में कितना टाइम लग गया आपको? करीब 34 दिन लगे। और चूंकि यात्रा की शुरुआत थी, जाहिर है कि चैलेंजेस बढ़े रहे होंगे और जो कुछ सोचा होगा उसकी बजाय कुछ नई चीजें सामने आने लगी होंगी। मुझे इस यात्रा की कुछ सरसरी चीजें बताइए, क्या क्या हो रहा था और क्या दिल पर बीत रही थी? इस यात्रा में मैं निकला तो पहले तो एक तो मानसून था अपने यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून, तो समुन्दर काफी खराब था, हवाएं चल रही थी तेज। और उसके बाद फिर जब जैसे ही विषुवृत्त क्रॉस किया उसके बाद फिर हवा थोड़ी कम हो गई, फिर और अलग डायरेक्शन से हवा आने लगी जी। और इसके बीच में अच्छे अच्छे कोई एक्सपीरियंसेस आए। एक बार एक पंछी आके बैठ गया, बड़ा सा एल्बेट्रॉस, रात भर मेरे साथ था बोट पे। एक दिन सुबह उठा तो पूरी वेल्स की फैमिली आसपास थी और वो सब घूम रहे थे आसपास, करीब आधे घंटे के लिए मेरे साथ चल रहे थे। डर नहीं लगा आपको कि चारों तरफ वेल्स है और बीच पे कमांडर दिलीप टुंडे? नहीं, डर तो नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे अवसर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं समुंदर में। क्या फोटोग्राफी करने का मौका था उस दौरान? हाँ जरूर, एक मेरे पास कैमरा था, SLR कैमरा, तो मैंने फोटो खींची थोड़ी, वो मेरे किताब मैंने लिखी है उसमें भी मैंने पब्लिश किए हैं। जी हाँ, सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि नेवी कमांडर दिलीप टुंडे ने अपनी धरती की परिक्रमा को लेकर जो अपने अनुभव है वो अपने
अपनी एक पुस्तक में छापे हैं। इस पुस्तक का नाम है द फर्स्ट इंडियन स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोलो सर्कमनेविगेशन अंडर सेल, यही है ना पुस्तक का नाम? मुझे बताइए कि वेल्स की फैमिली ने उसके बाद आगे क्या हुआ? अच्छा लगा और उनके बच्चे भी मेरे बोर्ड से बड़े बड़े थे, थोड़ी देर वो साथ साथ चले और अकेले जब होते हो आप एक एक महीने तक जी, तो कोई ऐसा मिल जाता है तो आप उन्हीं से बात करना शुरू कर देते हो फिर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि जब विविध भारती का कोई अनुसर प्रोग्राम कर रहा होता है तो वो अपने बूथ में अकेला होता है और उसको लाखों लोग सुन रहे होते हैं, वो भी एक सेलर होता है एक तरह का, लेकिन उसकी सेलिंग जो है वो 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे में खत्म हो जाती है और फिर वो बाहर रहता है। जब आप सफर पर थे, निपट अकेले थे और परेशानियों का सामना कर रहे थे, ये अकेलापन आपके ऊपर हावी हो रहा था? नहीं, ये एक अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको अकेलेपन से कैसे आपने कोप किया, हाउ डिड यू डील विद लोनलीनेस जी, पर मुझे कभी अकेला लगा नहीं। एक तो था कि मेरे साथ मेरी बोट थी और वो बोट मेरी संगिनी बन चुकी थी। क्या बात है। तो मैं उससे बात करता था और दूसरा विविध भारती थी, मैं अक्सर रेडियो ट्यून करता था और गाने सुनता था। क्या बात है। मैं रोमांच से भर गया इस बात को सुन के कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट और उस बोट पर एक नेवी कमांडर, उसकी एक शौर्य भरी यात्रा और उस पर विविध भारती, क्या बात है, अद्भुत। अब बताइए कि जब फ्री मेंटल तक पहुंचे तो वो कितना मुश्किल रहा था? ये लैब सबसे मुश्किल था या आगे वाले? नहीं, आगे वाले और मुश्किल होते गए। अच्छा बताइए उसके बारे। क्योंकि इसमें और थोड़ी चैलेंजेस थी कि हमारी बोट अभी भी नई थी, तो किसी भी मशीन को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, तो वो अभी तक प्रोसेस चल रहा था तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई उसमें जी, पर ऐसे करके फ्रीमेंटल तक पहुंच गया। बट आई वाज रिलीव्ड वहां पहुंच के, क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे जो टेक्नीशियंस हैं हमको मिले नहीं थे जी, जो हमको फ्रीमेंटल में मिले और फिर मेरा सारा नेविगेशन इक्विपमेंट वगैरह मैंने ठीक से लगा दिया। जब फ्रीमेंटल साहब जी वहां आए मिलने के लिए, अच्छा बोट का जो भी अगले लेग के लिए रेडी करने के लिए। अरे वाह, तो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम था। फ्रीमेंटल पहुंचने के बाद किन किन लोगों से बात की टेलीफोन पर? फ्रीमेंटल पहुंचने के बाद तो बड़ी बड़ी हस्तियां मिली मुझे, जगजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट अटेंड करने का भी चांस मिला। क्या बात है, क्या गा रहे थे वो, कहाँ से शुरू किया था? आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो वहाँ पे जब पर्थ में था और किसी ने मुझे पूछा आप आना पसंद करोगे, मैंने कहा हाँ ये कोई पूछने की बात है, जरूर। सही है। तो उनसे भी मिलने का चांस मिला और फिर वहाँ के भी कई लोग थे, एक जॉन सैंडर्स करके ऑस्ट्रेलियन शख्स मिले, उन्होंने 3 बार राउंड द वर्ल्ड चक्कर काटे थे एक के पीछे एक। ओके। यानी एक परिक्रमा करते थे वो ऑस्ट्रेलिया में रुक के पूरा खाना वाना फिर से लेते थे और फिर से चल देते थे, ऐसे करके उन्होंने 3 बार परिक्रमा की। क्या बात है। ऐसे मजेदार लोग मिलते थे। अच्छा, वहाँ से फिर अपनी फैमिली और नेवी के अपने ऑफिसर्स इन सबसे बात करके कैसा लगा था? वहाँ पे नेवी के कमांडर अभिलाष टॉमी आए थे मेरे से मिलने के लिए, मेरे शोर सपोर्ट, मैं शोर सपोर्ट थी। ओके। ये वही शख्स है जिनके साथ आगे की यात्राएं हुई आपकी? बिल्कुल। अच्छा, उनकी बात बात में करेंगे। वो सीख रहे थे मेरे से और मुझे हेल्प कर रहे थे और मुझे हेल्प करते करते वो सीख गए और फिर उन्होंने जो काम किया वो मेरे से कई गुना बड़ा काम कर दिया। अच्छा अच्छा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। चूंकि बात जगजीत सिंह की हुई है तो यहाँ पर का एक गाना सुन लिया जाए। जरूर। आप बताइए कि मैं बताऊंगा? आप बताएं। ठीक है, साथ साथ फिल्म का ये गाना सुनते हैं।
साथी सुन रहे हैं एक्स नेवी कमांडर दिलीप टोटे के साथ। बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही हैं कमांडर दिलीप टोटे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकंड जो पड़ाव था वो कहाँ का था? तो अगला पड़ाव था लिटिलटन, साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड में। ओके, राइट। के पास बड़ा शहर है क्राइस्टचर्च, तो वो ये सबसे छोटा सा लेग रहा था 19 दिन का। जी जी। और ये इसमें काफी कठिनाइयां आई, मेरा स्टीयरिंग टूट गया बोट का। सबसे ज्यादा मैंने रफ सी देखा इसमें, करीब 8-9 मीटर की लहरें और करीब 50-60 चौट से 100-125 किलोमीटर पर आर की हवा चल रही थी। इसमें मेरा स्टीयरिंग टूट गया था और फिर उसको खुद ही रिपेयर करके फिर उसको चलना पड़ा आगे। तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी वहाँ जहाँ आपका स्टीयरिंग टूटा। किस ओशन में थे आप, पैसिफिक में थे या इंडियन ओशन में? मैं सदर्न ओशन में था, जो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के साउथ में जो एरिया है उसको सदर्न ओशन बोलते हैं। जी। बट यस, अदरवाइज इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ओके। और उस वक्त एक वहाँ कोल्ड वेदर सिस्टम पास हो रहा था मेरे पास से और ऐसी करीब 8-9 मीटर की लहरें 3-4 दिन चलती हैं एक के पीछे, हर सेकंड के बाद आती हैं आपके पास। जी। तो काफी मुश्किल हो जाता है सर। और मैंने सुना है कि सदर्न ओशन थोड़ा सा ज्यादा तूफानी होता है। थोड़ा सा नहीं, काफी। तो सबसे ज्यादा मुश्किल लैप उसके आगे रहे, ये काफी ज्यादा तूफान जो है आप झेल चुके थे। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के आगे फिर मेरा पूरा जो जर्नी था वो सदर्न ओशन से था जब टिल आई रीच्ड केप टाउन। सदर्न ओशन में समुद्र खराब होना, हवा तेज चलनी, ये नॉर्मल है। फिर ठंड भी होती है काफी। जी। बोट के अंदर करीब कभी कभी 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता था दिन में। काफी ठंड होती थी और फिर जब आप बाहर जाते हो तो इतनी तेज हवा चल रही होती है, पानी उड़ रहा होता है और फिर ठंड से भी बुरा हाल हो जाता है। तो जब बहुत मुसीबत भरे दिन होते थे, क्या कभी हौसला कम हुआ, बस्त हुआ, कभी ऐसा लगा कि आप कमजोर पड़ रहे हैं? ऐसे लगा भी तो भी आपने आपके पास कोई चॉइस नहीं रखा होता, आप अभी फंस गए होते उसमें, तो आपको अगले पड़ाव तक तो जाना ही होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि आपको लगता है कि अभी कहाँ फंस गए इसमें, कौन सा पागल बनाया था कि इसके लिए हाँ वर्दी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। और अपने आप को आप प्रॉमिस भी करते हो कि अगले पड़ाव में मैं उतर के निकल जाऊंगा। अच्छा, ओ गॉड। पर आपको फिर भी अगले पड़ाव तक जाना होता है। बिल्कुल। फिर जब ऐसे थोड़ी हवा ठीक होती है, समुद्र शांत हो जाता है, तब फिर आप थोड़ा खाना वाना खा सकते हो। आप फिर किसी दिन बैठे होते हो और फिर सोचते हो कि नहीं, यही अच्छी है जिंदगी, मुझे जमीन पे जाना ही नहीं। ऐसे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मल जिंदगी में भी होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये एक तरह से जिंदगी के सफर की तरह ही है जहाँ चुनौतियाँ सामने आती हैं और आप मुकाबला करते चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे अपने अगले लैप के बारे में बताइए जो केप टाउन से आगे था। तो अभी मैं न्यूजीलैंड तक हम लोग पहुँचे थे। जी। न्यूजीलैंड से आगे मेरा अगला पड़ाव था पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड आइलैंड्स में। तो ये सबसे लंबा तो नहीं रहा, करीब 5000 मील का डिस्टेंस था, पर इधर आसपास कोई भी जमीन नहीं थी बिल्कुल, और कोई रेस्क्यू की गुंजाइश भी नहीं थी कि कोई जमीन नहीं है तो कोई जहाज नहीं आते वहाँ पे, तो बिल्कुल ही अकेला था। पर एक यहाँ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात हुई कि एक ऑस्ट्रेलियन लड़की जेसिका वैटसन, 16 साल की लड़की थी, वो अपनी बोट में राउंड द वर्ल्ड ट्रिप कर रही थी मेरे जैसे। तो हम लोग दोनों कुछ 100-200 मील दूर थे पैसिफिक ओशन में और एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहते थे, एक दूसरे को पोजीशन हमारी बताते रहते थे, क्रिसमस न्यू ईयर को एक दूसरे को फोन भी किए। अरे वाह। तो साथ साथ चल रहे थे क्योंकि इस वक्त ऐसे एरिया में आपको और कोई बचा नहीं सकता, बल्कि ये जो आपके पास ऐसे आसपास आपके जैसे ही सेल करने वाले होते हैं। तो उसने फिर फाइनली उसका ट्रिप कंप्लीट किया मई में, मेरे थोड़ा पहले, और वो दुनिया की सबसे यंग पर्सन है जिन्होंने ऐसे नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन किया है 16 वर्ष की उम्र। अच्छा, जेसिका वॉटसन की बात तो आपने की और आपने ये भी बताया कि एक तरह से साथ साथ आप लोगों का सफर रहा था। मुझे लगता है कि अब केप टाउन से आगे की बात हम कर रहे थे ना। पोर्ट स्टैनली से केप टाउन पहुंचा और फिर केप टाउन से सबसे लंबा मेरा ट्रिप था 5800 मील का, मुझे 45 दिन लगे जी बॉम्बे पहुंचने में। केप टाउन से बॉम्बे 45 डेज आप लगातार समुद्र में थे। हाँ। और क्या इसको आप अपना सबसे मुश्किल दौर मानेंगे? नहीं, सबसे मुश्किल मैं मानूंगा मेरा ऑस्ट्रेलिया से फॉकलैंड्स तक और ऑस्ट्रेलिया से केप टाउन तक, ये सबसे, क्योंकि ये पूरा सदर्न ओशन में था ट्रिप। जी जी। और जहाँ पे सबसे ज्यादा वेदर खराब होता है, तो ये सबसे ज्यादा मुश्किल मैं मानूंगा इसको।
अच्छा अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो समुद्र के रास्ते से चक्कर लगा चुके थे। मेरा ख्याल है आप 175वें व्यक्ति हैं दुनिया के जिन्होंने। हाँ सुना है मैंने भी। तो क्या महसूस होता है उस टोली में शामिल होना जो बहुत गिने चुने बहुत फाइन लोगों की एक टोली है जिन्होंने समुद्री रास्ते से धरती की परिक्रमा की है, सागर परिक्रमा जिसको कहते हैं। अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग, इट्स अ वेरी स्पेशल क्लब। और मैंने पढ़ा तो पता चला कि सोलो सर्कमनेविगेटर से ज्यादा लोग तो स्पेस में जा चुके हैं। जी जी। तो फिर आप कहीं और जगह मिलते हो ऐसे सोलो सर्कमनेविगेटर्स को, तो वो एकदम बॉन्डिंग सी हो जाती है उनके साथ। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरह के अनुभव होते हैं और आप एक बिरादरी के लोग हैं ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर एक गाने की गुंजाइश है और वो गाना आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से आ रहा है, और वो गाना है मेरे साजन है उस पार। अरे वाह बढ़िया। चलिए ठीक है, तो ये गाना सुनते हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही है नेवी कमांडर दिलीप टुंडे जी से, जिन्होंने धरती की पूरी परिक्रमा की है, और हम उनकी इस पूरी यात्रा के बारे में बातें कर रहे थे। हमने धरती की पहली परिक्रमा के बारे में बातें की। थोड़ा सा ये अपने नेवी करियर के बारे में बताइए कि सबसे चुनौतीपूर्ण दौर नेवी की सर्विस के दौरान कौन सा रहा था। नेवी में मैंने जैसे कहा कि गोताखोरी का प्रशिक्षण लिया था मैंने जी, तो ये काफी टफ कोर्स होता है, फिजिकली द टफेस्ट कोर्स इन द नेवी। ये सब काफी चुनौतीपूर्ण थी, बट ये सब मैंने वॉलंटियर किया था जी, अच्छा लगा था ये करने में, क्योंकि जितनी चुनौतियां आती हैं उतना एक्साइटमेंट बढ़ता है, और दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स यू कीप गोइंग अहेड। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या आजकल के नौजवान नेवी को एक बेहतर करियर मानते हैं और इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? नौजवान तो कई आते हैं, और जो भी मेरे साथ बाद में मेरे बोर्ड पे भी जो आए हैं जी सीखने के लिए और चलाने के लिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी गुड पीपल। और जितने हम लोग स्मार्ट थे जब हमने नेवी ज्वाइन की थी, उससे कई गुना स्मार्ट लोग हैं ये लोग। सो अच्छा लगता है ऐसे अच्छे नौजवान आते हो, नौजवान और नव युवतियाँ होती। अच्छा अच्छा बिल्कुल, उनको भी शामिल करना जरूरी है। क्या धरती की परिक्रमा करने के लिए आने वाली पीढ़ी यंग सेलर्स की तैयार है? यंग सेलर्स तैयार है, क्योंकि अभी मैंने मेरी परिक्रमा खत्म की, उसके बाद मेरे पास नेवी ने और ऑफिसर्स को भेजना शुरू किया उनको सिखाने के लिए जी। और अभी मैं पिछले साल तक मेरे साथ 6 नेवल ऑफिसर्स थे, ऑल वुमेन ऑफिसर्स, और उनको पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो सीखती गई। और अभी पिछले महीने उन्होंने एक गोवा से केप टाउन तक नॉनस्टॉप ट्रिप खत्म की जी। नाउ दे आर रेडी टू गो ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन। अरे वाह,
तो ये एक बहुत जल्दी ये एक सिलसिला शुरू होने वाला है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह की बोट आपने महादेव तैयार की थी और इस चुनौती का सामना किया था और उसमें आपको कई लोगों का सपोर्ट मिला, क्या उसके बाद उससे भी बेहतर बोट तैयार कर ली गई है? उसके बाद अभी नेवी ने महादेव जैसी और एक बोट तैयार करने को कहा है मिस्टर दांडेकर को जी, तो वो अभी बन रही है, अभी अगले महीने तक वो नेवी में शामिल हो जाएगी। और जब मैंने मेरी ट्रिप खत्म की अब तो मुझे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता था कि सोलो अकेले ने किया क्या, समझ में आने लगा है लोगों को कि भाई समुंदर में भी ऐसी चीजें कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे जैसे ज्यादा लोग ये सब करने लगेंगे तो बोटें भी अच्छी बनती रहेंगी। इसके बाद आपने अपने साथियों के साथ फिर एक ट्रिप की थी सागर परिक्रमा 2। मैंने सागर परिक्रमा 2 के लिए जब मेरी ट्रिप खत्म हुई तो एडमिरल लाउटे ने बोला कि अभी इतना तो आपने कर लिया, अभी थोड़ा और कुछ चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, और इससे भी ज्यादा कठिन काम करना चाहिए। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि नॉनस्टॉप क्यों नहीं करते। तो फिर अभिलाष टॉमी ने वॉलंटियर किया उसके लिए और फिर उन्होंने ये ट्रिप नॉनस्टॉप की। तो मैं सेलिंग में तो नहीं था उनके साथ, बट आई वाज सॉर्ट ऑफ हिज, मैं उनको मदद कर रहा था नॉनस्टॉप ट्रिप की 150 डेज में। जी, ये कितना मायने रखता है नॉनस्टॉप ट्रिप, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए? काफी मुश्किल था, बिकॉज एक बार देखिए आप बॉम्बे से निकल गए वो और उसके बाद 150 दिन बाद वापस बॉम्बे आया, उसके बीच में उन्होंने मुश्किल से एक दो जगह पे कई जमीन दूर से देखी थी, कोई आसपास नहीं था। सो जो भी करना था, बोट की रिपेयर करनी थी, खुद का खाना वाना सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे और अकेले थे बिल्कुल। इट वॉज क्वाइट अ चैलेंज। सो जैसे कि सोलो सर्कम नेविगेटर्स अभी करीब 200 के आसपास अगर है दुनिया में, तो सोलो नॉनस्टॉप सर्कम नेविगेटर्स तो 100 से भी कम है। उसके बाद फिर और लोग आते गए और उनको मैं सिखाता गया। जी अच्छा, अब ये बताइए कि जिस दौरान आप धरती की परिक्रमा कर रहे थे, सागर परिक्रमा, उस दौरान आपने अपने खाने और पानी का क्या इंतजाम कर रखा था? खाना मैं बोट पर पकाता था। अच्छा। और पानी के लिए वैसे तो फ्रेश वाटर स्टोर करता था, पर मेरे पास वो समुन्द्र के पानी से पीने का पानी बनाने का मशीन भी था। अच्छा। तो इसलिए पर पानी वहाँ बोट पे एक हम रूल रखते हैं कि खाली पीने के लिए और खाना पकाने के लिए फ्रेश वाटर यूज करते हैं, बाकी सारी चीज के लिए समुन्द्र का पानी। तो खाना पकाते थे, मतलब आप क्या चीजें लेकर साथ में गए थे? कई सारी वैरायटी लेके गया था, क्योंकि अकेले होते हो आप, वैसे भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता खाना बनाने का, पर आप काफी फिजिकल काम कर रहे होते और इतने महीनों महीनों समुन्द्र में होते हो तो आपको अच्छा खाना खाना जरूरी होता है। तो इसमें मेरे मदर ने काफी मेरी हेल्प की, तो खाने के प्लानिंग करने की वगैरह। और बोट पे एक कुकिंग गैस था, प्रेशर कुकर था, तो नॉर्मल खाना जब बना सकता था तो बनाता था। पर एक बात है कि जब आप अकेले सेल कर रहे हो तो खाना हमेशा अच्छा ही बनता है, खुद ही ने बनाया होता है और खुद ही को खाना होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस दौरान कभी सेहत खराब हुई, इस तरह की कोई तकलीफ आई? नहीं, सेहत ठीक रही, एक्सेप्ट फॉर एक थोड़ा दांत में थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ था। एक कारण उस सेहत ठीक रहने का मेरे ख्याल से, आप देखिए आप दुनिया की सबसे साफ हवा ब्रीथ कर रहे होते हो, कोई पोल्यूशन नहीं होता आपके आसपास, मीलों मील तक कोई लैंड नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं, आप काफी फिजिकल मेहनत कर रहे होते हो और आप पे कोई और बाकी स्ट्रेस नहीं होता है जो आपकी डेली लाइफ में लैंड पे होता है, तो सेहत अच्छी हो जाती है। जब तकलीफ हुई, आपने बताया दांत का दर्द था, तो किस तरह से? दांत का दर्द था तो न्यूजीलैंड में जब मैं निकल रहा था तो एक दिन पहले ही एक कैविटी खुल गई थी मेरे दांत में और अभी उसको डिपार्चर डिले करना भी मुमकिन नहीं था। तो जाते जाते रत्नाकर ने मुझे एक लौंग का तेल जो होता है उसकी एक शीशी पकड़ा दी थी, जब भी ज्यादा दर्द होगा एक थोड़ा कॉटन डाल के उसको दांत में पकड़ के रखना। तो वैसे करके मैं फिर फॉकलैंड तक पहुंचा और फिर वहां जाके एक डेंटिस्ट के साथ मिलके ट्रीटमेंट करा ली थी। ओहो, मतलब ये भी एक तरह की चुनौती बन गई थी वहाँ। हाँ, क्योंकि अगर दांत में दर्द होने लग गया आपको तो पता है कि आप सोच भी नहीं सकते थी, कुछ भी नहीं हो सकता फिर तो उसके आगे। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद पता करेंगे दिलीप डोंडे के परिवार के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो यहाँ दिलीप साहब कौन सा गाना पेश करने जा रहे हैं? है मेरी जोरा जमी। क्या बात है, सही जगह पे सही गाना लेके आए हैं, सुनते हैं गाना।
अब अपनी जोहरा जबी के बारे में बताइए। मेरी जोहरा जबी तो मादे ही है। अच्छा, फॉर अ सोलो सेलर द बोट इज वेरी स्पेशल एंड नो वन कैन टेक हर प्लेस। अब सोचिए, मैं 9 महीने उसके साथ अकेला था। मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे क्षण और खराब क्षण बिताए हैं, वो सब उसके साथ हैं। और उनको देखने के लिए खाली वही थी और कोई नहीं था जी। बोट से तो बातें करते हैं, एक अच्छा होता है बोट के साथ कि आप बोट पे जितना चिल्लाओ, प्यार से बात करो, जो भी करो, वो उत्तर नहीं देती आप, पर आपको साथ पीछे लेके चलती है। एक जज्बाती पल आपकी जिंदगी में तब आया जब आपको ये खबर मिली कि आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। ये पीस टाइम का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पीस टाइम का थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ पीस टाइम। हाँ। तो जब ये खबर आई क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे दिल्ली से फोन आया था, मैं पुणे में था किसी फंक्शन में कि भाई आपको ये अवार्ड मिल रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मतलब इट्स नॉर्मल। एक्चुअली आफ्टर डूइंग द सर्कम नेविगेशन दैट इज समथिंग बिग, जरूर अच्छा लगा कि समवन हैज रिकॉग्नाइज्ड। जी जी, क्या आपको लगता है देश को इस बारे में, आम आदमियों को इस बारे में बहुत ज्यादा पता है? इतना ज्यादा तो नहीं पता है, क्योंकि हमारे देश में समुद्र के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। पर जैसे मैंने कहा कि पहले लोग पूछते थे सोलो अकेले ने किया क्या, अभी वो प्रश्न नहीं पूछा जाता, अवेयरनेस हो रही है उसके बारे में। ये अवेयरनेस शुरू करने की ये शुरुआत थी हमारी। मैंने ये भी सुना है कि साल 2008 में सबसे फास्टेस्ट सर्कम नेविगेशन किया फ्रांसिस जोएन ने, क्या हमारे यहाँ से कोई ये ट्राई करने जा रहे हैं? अभी फ्रांसिस जोएन का तो रिकॉर्ड टूट गया, अभी पिछले महीने थॉमस कोविल ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा, उनका टाइमिंग क्या रहा? 47 और 49 डेज है जी। ओके, तो सिंगल हैंडेड 47 डेज अराउंड द वर्ल्ड। मैं इतना सेलिंग करके भी मुझे बहुत अचरज होता है कि वो कैसे करते होंगे और कितने तेज जाते होंगे। आपने कभी सोचा इस बारे में? सोचा तो है, बट ये सब करने के लिए है वो वेरी हाईटेक बोट जी। मैंने जब ये प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किया तो मेरी उम्र करीब ऑलमोस्ट 40 साल हो गई थी जी। थॉमस कोविल और फ्रांसिस जोएन जैसे लोग जब से बचपन से ही सेल करते आ रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू राइट। तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है अपने जिंदगी में, बट जो नेक्स्ट जनरेशन है वो शायद इसके लिए कोशिश कर सकेंगे, और क्या पता किसी भारतीय अगला रिकॉर्ड तोड़ देगा और 45 दिन में भी कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। यहाँ एक गाने का इंतजार कर रहे हैं, काबुली वाला का गाना हो जाए। हो जाए हो जाए, मेरे प्यारे वतन। बिल्कुल हो जाए, सुनते ही गाना। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, कुछ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, पर अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, समंदर ख्वाबों में आवाज लगाता है। हाँ,
कई बार मैं वो दिन मिस करता हूँ, बड़ी बुरी तरह से मिस करता हूँ जी, और ऐसे लगता है कि कहाँ मैं फिर इस भागदौड़ में आ गया। ओहो। एक अपनी फिर से माँ ही हो और बस चले जाओ कहीं पे शांति से। क्या बात है। सो वो बहुत ही सॉलिट्यूड अच्छी होती है, बहुत ही ह्यूमिड दोस्ती डेफिनेटली। आजकल आपकी जिंदगी किस तरह बीत रही है, क्या चल रहा है जिंदगी में, और खाली वक्त होता है तो क्या कर रहे होते हैं? आजकल मैं 4 दिसंबर 2016 को नेवी डे के दिन मैंने नेवी से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले लिया जी। तो आजकल मैं गोवा में हूँ, और ये जो माजे की अगली बोट बन रही है, तारीनी उसका नाम रखा गया है। अच्छा नाम है जी। तो उसके साथ मैं रत्नाकर साहब को हेल्प कर रहा हूँ कि यू नो अगली भी बोट पहले जैसी ही बनी जाए, और सो दैट इज व्हाट इज कीपिंग मी बिजी। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं इस बोट के लिए और आपके आने वाले सभी उपक्रमों के लिए जिनमें आप या आपके साथी शामिल होंगे। जरा ये बताइए कि कोई एक बंदा देश के या दुनिया के किसी एक कोने में नेवी कमांडर दिलीप डूडे की ये बातें सुनता है और उसके जहन में एक छोटा सा ख्वाब अपनी आंखें खोलता है कि मुझे भी धरती की परिक्रमा करनी है, क्या करे वो, कहां से शुरू करे? जैसे ये प्रश्न सर रॉबिन से पूछा था 2006 में, और उन्होंने मुझे बोला था कि 3 सिंपल सी चीजें हैं। पहले तो यू हैव टू हैव इनफ मनी टू बाय अ बोट जी, सो ही सेज मैनेज द फंडिंग। देन ही सेज एक अच्छी बोट बनाओ अपने, जिसको आप पूरी तरह जानते हो, अपने शरीर की जितना अच्छा जानते हो उसको, बस उसके बाद सेलिंग है। तो दैट इज हाउ ही हैड टोल्ड मी इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंड ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी ऑल्सो जी। अब ये बताइए कि विविध भारती के इतने सारे सुनने वाले लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं इतनी देर से हमारे आज के मेहमान कार्यक्रम में, और ये इसलिए बहुत मायने रखता है कि आप वहाँ गोवा में हैं और मैं यहाँ विविध भारती मुंबई के स्टूडियो नंबर 1 में हूँ और हम ऐसे बतिया रहे हैं जैसे हम आमने सामने बैठे हैं। बिल्कुल। इन सभी श्रोताओं से क्या कहने वाले हैं आप, अपने मन की बात, अपनी जिंदगी की फिलॉसफी? जैसे मैंने कहा, हम लोगों को समुन्द्र के बारे में ज्यादा पता नहीं होता जी, मैं इनसे यही कहूंगा कि ज्यादा समुन्द्र के बारे में पता कीजिए। बढ़िया। और जब आप बीच पे जाते हैं, समुन्द्र किनारे जाते हैं, उसको साफ रखिए। ये समुंदर एक बहुत बड़ी पावर है जो आपके पास है, और उसको आप ठीक से रखेंगे, साफ रखेंगे, वो भी आपको उतना ही सॉर्ट ऑफ हेल्प करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये बात बहुत मायने रखती है और मुझे लगता है कि अगर लोगों ने इसको अपनाया तो इससे चीजें बेहतर बनेंगी। नेवी कमांडर दिलीप डूडे साहब, आपके जज्बे को, आपकी ताकत, आपके हौसले, आपके साहस को मैं यहाँ विविध भारती से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से सलाम करता हूँ। थैंक यू। इतनी शानदार बातें आपने की और आपके बारे में बहुत कुछ जानने और सुनने को मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। yes.